सर भैया राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम है निवाड़ी जिला की, जिला पंचायत के वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में तमाम प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, करीब 7 प्रत्याशी हैं। सबके चुनाव चिन्ह भी आमंत्रित हो गए हैं। इतने हमारे संगे हैं श्रीमती इंदिरा देवी, रामगोपाल अहरवार जिनको चुनाव चिन्ह है, उगता हुआ सूरज जी भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं अपने वार्ड के और लोगों से मत की अपील कर रही। चाचा का सोच के चुनावी मैदान में उतरी, जिला पंचायत वार्ड 2 से आप चुनावी मैदान में हो, का सोच के चुनाव में उतर आए, का दिखा रही थी कि समस्याओं में कैसे निपटा हुआ? हम 2010 में जिला पंचायत सदस्य इसी क्षेत्र से पहले बने थे। हाँ। लोगों के हमने बहुत सारे काम भी कराए, उनकी समस्याएं सुनी। हाँ। उनकी हर दुख सुख में साथ में रहे। हाँ। और उसी को देखते हुए दोबारा मैंने चुनाव लड़ा है जनता की सेवा करने के लिए। 2010 में आप सदस्य रहे हैं, एक बार पहले भी जिला पंचायत से ही, उस दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसे आप जनता के बीच आप गिना सकते हैं? अब ये तो गांव वाले भी देखते हैं कि यहाँ पर नाली वगैरह सीसी वगैरह सब करवाए हैं, इस आवास करवाए हैं और स्कूल की बिल्डिंगें बनवाई, पेंशन करवाई, बहुत सारी योजनाएँ हैं ऐसी जिनमें मैंने काम किया है। अब जब गांव-गांव जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की? कई लोगों की पेंशनें नहीं बनी हुई हैं, कई लोग आवासहीन हैं, कच्चे मकान हैं उनका, वास्तविक जो पात्रता में है उनका मकान भी नहीं बना हुआ है, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। अब उनको दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे आपका, क्या लोगों को भरोसा दिला रहे हैं? उनकी समस्याएं पूरी प्रयास करेंगे कि पूरी उनकी समस्याएं हल हों, आवास बनवाएंगे और आपकी जो पेंशनें हैं, पेंशनें जो रह गई हैं उनको भी पूरा कराएंगे। जहां पर पानी की समस्या है, पानी की समस्या, नाली की समस्या पूरी करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए आधी रात को तैयार हैं। एक चीज़ बताइए राम गोपाल जी, चुनावी मैदान में वार्ड 2 से 7 प्रत्याशी हैं, 7 में से जनता कैसे तय करेगी कि रामगोपाल अहरवार साहब, इंदिरा देवी जी सबसे बढ़िया प्रत्याशी हैं, इनको हम जिताएं? जनता क्यों आप पर भरोसा करे? अब जनता के लिए यह है कि हमारा क्षेत्र में इसी क्षेत्र से पहले थे हम और इसी क्षेत्र से दोबारा लड़ रहे हैं, तो जनता सब जानती है कि ये कैसे आदमी हैं, इनके जनता के बीच में हम बरहमेश रहे हैं, जनता हमें चाह रही है। एक और चीज़ रामगोपाल जी, लगातार जब देखते हैं कि चुनाव आते हैं तो तमाम नेता, तमाम प्रत्याशी बनके गांव-गांव जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है तो जो हार जाते हैं वो तो आते ही नहीं हैं, 5 साल जीतने के बाद भी 5 साल नेताओं के दर्शन नहीं होते हैं गाँव के लोगों को, ना उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं, ना उनकी समस्याओं का निराकरण होता है। आपका इस पर क्या कहना? अब इस पर हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि किसका विचार कैसा है, इसमें हम क्या कह सकेंगे। आप आएंगे चुनाव के बाद भी, आप आते रहेंगे गांव में? हम चुनाव के बाद, जीतने के बाद भी आए हम और इसके बाद में भी लड़े थे तो हम हार गए थे, तब भी हम बराबर जनता के साथ में रहे। आप गांव में किसी भी मतदाता से पूछ सकते हैं, गांववासी से पूछ सकते हैं कि हम भरे में इस क्षेत्र में आए हैं कि नहीं। रामगोपाल जी, आपके वार्ड में तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनके घर के चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो सरकारी पदों पर भी हैं, कोई अध्यापक हैं, कोई कुछ हैं, इसके बाद भी चुनाव प्रचार वो लगातार कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना रहेगा जो चुनाव से संबंधित अधिकारी हैं? अब चुनाव से संबंधित अधिकारी जो हैं उस पर भी चुनाव आयोग गौर ही नहीं कर रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं दिन दहाड़े बिल्कुल खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, सरकारी पदों पर पदस्थ हैं फिर भी कर रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग का कोई उस पर ध्यान नहीं है। आपने इसकी शिकायत की है कहीं अभी तक? अभी मैंने तो नहीं की है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी का हमारे द्वारा कोई गलत हो। जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है रामगोपाल जी, इन गाँव में सबसे ज़्यादा क्या आप समस्या देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा समस्या है आजकल, इसको हमें निपटाना है? यहाँ पर ये समस्याएं हैं जो पानी जगह जगह भरा है, इसी जगह की बात है, पिछली साल बहुत कम से कम 5 फुट इसी जगह पर पानी भरा था। हाँ।
जब आप लोगों का फ़ोन पहुंचा तो तुरंत रात ही में हम जेसीबी लेके आए और रात ही में यहाँ से हमने पूरा पानी निकलवाया, नहीं तो इस साइड के तो पूरे जो गरीबों आदमियों के मकान थे वो पूरे उस दिन गिर जाते। अगर आप फिर से एक बार फिर से बाढ़ दो में जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो क्या अध्यक्ष के लिए भी आपकी दावेदारी रहेगी, क्योंकि अध्यक्ष के लिए भी महिला सीट आरक्षित है, आपकी पत्नी इंदिरा देवी जो है चुनावी मैदान में है, तो क्या अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी रहेगी आपकी? अब जीतने के बाद, चुनाव में जीतने के बाद वो आगे की रणनीति है क्या होगी, इसमें अभी कोई अभी फिलहाल सदस्य के लिए फोकस कर रहे हैं पूरा। आपका सबसे पहले पहला काम क्या होगा यहाँ के प्राथमिकता के तौर पे, सबसे पहला काम क्या कराएंगे यहाँ की जनता के लिए यदि आप चुनाव में जीतते हैं? यहाँ की जनता के लिए जो उनकी समस्याएं होंगी वो काम कराएंगे, जिनकी जो समस्याएं होंगी वो काम कराएंगे, अभी अपने मन से थोड़ी कोई कराएंगे, जनता जो कहेगी कि हमारा ये काम है, इस चीज़ की परेशानी है, नाली की, रोड की, कोई की भी है, वो समस्याएं पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी इंदिरा देवी रामगोपाल अहरवार साहब, जिन्होंने कम शब्दों में अपनी बात रखी, बात की क्या क्या यहाँ की समस्याएं रही हैं, उनको किस तरह से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले भी बाढ़ 2 से 2010 में जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, आप स्वयं रह चुके हैं सर, पत्नी रह चुकी, मैसेज ही रह चुकी हैं उसके पहले 2005 में वही सरपंच बनी थी और 2010 में वो ही जिला पंचायत सदस्य बने। लगातार राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं? जी बिल्कुल, लगातार जुड़े हैं, जनता के साथ में दुख सुख में जुड़े हुए हैं। अब जनता उसका निर्णय अच्छा दे बुरा दे उनके हाथ में है। रामगोपाल जी, इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के सिंबल जो आवंटित नहीं होते हैं, आपकी विचारधारा किस राजनीतिक दल से मिलती है, कौन सा सी राजनीतिक पार्टी आपको पसंद है? अब राजनीतिक का जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ, तो जनता जहाँ पर मोड़ेगी, जनता कहेगी कि किस पार्टी से अपन को कॉन्टैक्ट है, उस पार्टी से संबंधित रहें। अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए हैं? अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए हैं, चुनावी मैदान में हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। ये है वार्ड नंबर 2 का बिनवारा गाँव में हमने रामगोपाल अहरवार साहब से बात की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी तमाम प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे और जनता की राय भी सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।